खाता रहे मेरा दिल। नमस्कार, मैं हूं गुरपाल और आज मैं हूं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। और एक बार फिर निकल पड़ा हूं गलियों में आपके लिए खाना ढूंढने के लिए। मेरे साथ बैठे हुए मेरे दोस्त, आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष, आयुष यहाँ पर नाश्ता क्या खाते हैं लोग? पोहे और जलेबी। पोहे और जलेबी, तो चलिए इंदौर में ढूंढते हैं सबसे बढ़िया पोहा और जलेबी कहाँ मिलता है। पोहे जलेबी कहाँ मिलते हैं? पोहे जलेबी बढ़िया। सोना पोहे? अरे ये कोई सोने का टाइम है, ये तो खाने का टाइम है अंकल जी। मेरा सबसे पहला स्टॉप है राजवाड़ा। पोहे और जलेबी बहुत ही बढ़िया स्वाद, एकदम घर जैसा और फ्रेश। क्या बात है। इंदौर में सब पोहा बनाते हैं, पर ये जो बनाते हैं दिल से बनाते हैं। सुबह सुबह स्कूल स्टूडेंट्स, बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर आके खाते हैं। मसल्स के लिए ये कह रहे हैं कि प्रशांत पोहे वाला भी बड़ा फेमस है, तो चलिए प्रशांत पोहे वहाँ का भी स्वाद लिया जाए। अच्छा स्वाद है यहाँ भी। बड़ी पुरानी दुकान है इंदौर की, ये भाई साहब तो यहाँ 30 साल से आ रहे हैं और ये इंदौर में एक्चुअली पायोनियर हैं। अच्छा, इंट्रोड्यूस करने में। अच्छा, अब तो इंदौर में गली गली मिलता है। पर बार बार सभी लोग हेड साहब के पोहे की बात कर रहे हैं, चलिए वहाँ भी चलते हैं। कहते हैं जिन्होंने ये पोहे का स्टॉल शुरू किया वो हेड कांस्टेबल थे, इसीलिए सब लोग हेड साहब के पोहे कहने लगे और वही नाम पड़ गया। तो पहाड़ बन गया इसका, और ये पहाड़ जो है थोड़ा सा ज्वालामुखी जो है भड़कने वाला है। पोहा में इन्होंने डाल दिया है उसल, पनीर और क्रीम, और पोहे का कुछ नया ही बन गया है। आहा। पोहे के ऊपर छोले, फिर उसल और उसके ऊपर पनीर और क्रीम, यार मानना पड़ेगा एकदम नया कॉम्बिनेशन है। कब से आ रहे हैं इधर? मैं इधर कम से कम आ रहा हूँ 4 साल से। अच्छा, और खास इधर ही? खास इधर ही। पोहे का सादापन जरूर खो गया, लेकिन सादा पोहा तो हम घर में भी खा सकते हैं। ये कब से है आपका स्टॉल? 20 साल हुआ। आप 20 साल से चला रहे हैं? नहीं, फादर चलाते थे, मैं अभी 5-1 साल हुआ। तो ये सब ये जो इजाज़ किया है ये आपके फादर ने किया? ये फादर। क्या क्या डालते हैं इसमें? ये जो मलाई डालने का, क्रीम डालने का आइडिया जो आया इंदौर में, सबसे पहले पनीर डालने का रिवाज ही फादर ने ही चालू करा था। बहुत बढ़िया है, ये पनीर वाला कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बढ़िया है। कितना हो गया बस? 10 रुपये। 10 रुपये? सिर्फ 10 रुपये? 10 रुपये में इतना पौष्टिक और इतना स्वादिष्ट नाश्ता, मजा आ गया। खाता रहे मेरा दिल। बस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये नहीं नहीं मैंने खा लिया है, अभी खाया। ये बताइए कुछ बढ़िया सा नाश्ता और कहाँ मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग नाश्ता? हॉट डॉग मिलेगा? वेज हॉट डॉग और मटन। वेज हॉट डॉग। बेंजो? बेंजो क्या होता है? बेंजो, लोग तो बैंजो बजाते हैं, ये खाने की बात कर रहे हैं। ये इन्होंने एकदम सही बात बताई, इंदौर में बहुत खाऊ लोग हैं, बिल्कुल मेरे टाइप के लोग, सही जगह पे आ गया हूँ, बैंजो खाने चलते हैं। थैंक यू। चलिए 56 दुकान की तरफ और खाने वाला बैंजो ढूंढते हैं। क्या खा रहे हैं जनाब? बेंजो खाया जनाब जी। जनाब बहुत नाम सुना है, जॉनी हॉट डॉग सब लोग कह रहे थे, यहाँ जाके ब्रेकफास्ट जरूर खाना। बेंजो कहा लोगों ने ट्राई करने के लिए, ये नाम कैसे पड़ा जॉनी हॉट डॉग? अचानक ही पड़ गया, ये तो एक हादसा ही समझो। तो बेंजो, बेंजो में क्या है? एक वाला ऑमलेट विद ब्रेड। इसमें कोई खास बात क्या डालते हैं आप, मसाले वगैरह? इसमें क्या है साहब, कोई मसाले नहीं है इसमें। हाँ। सिर्फ नमक मिर्ची है और अपना हरा धनिया। कहाँ ज्यादातर मैं देख रहा हूँ सब यंग लड़के स्टूडेंट्स। हाँ, बच्चों और... के लिए तो है साहब, या कोई बूढ़े लोगों के लिए तो है ही नहीं, जिनको रिटायरमेंट हो गया तो उनको तेल मना है, घी मना है, अंडा मना है। मैं खा सकता हूँ? अभी कम उम्र है आपकी तो साहब। मेरी तो रिटायरमेंट हुई, अभी कहाँ हुई, खाने से नहीं हुई।
बेंजो। आपने ये तो बताया नहीं है जॉनी नाम कैसे पड़ा, लेकिन ये बेंजो का नाम बेंजो क्यों पड़ा? ये बेंजो का नाम तो मेरे ख्याल यहीं पे साहब जीएसआईटीएस कॉलेज है ना, वहाँ के लड़कों ने रखा था इसका नाम। कुछ मतलब रहते ही ना प्रेमी तो मिल ही जाते हैं, बना रहे हैं तो बोले इसका नाम ये रख दो। ये है तो आखिर बन है और अंडा है, ये तो बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग खिलाते हैं, आपके यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगती है, क्यों आते हैं लोग? वो ब्रेड जो है बहुत फ्रेश रहती है, फ्रेश हाँ बिल्कुल ताजी ब्रेड, मतलब दूसरे दिन का नहीं वापरता है, पूरा देश दूसरे दिन की ब्रेड खाएगा लेकिन हम नहीं खिलाते हमारे ग्राम। हेलो, आपका नाम? गुरपाल। आपका? मेरा नाम गुरपाल है, आपका नाम? गुरपाल। मेरा नाम गुरपाल है, आपका? हाँ मेरा नाम भी गुरपाल है। गुरपाल मेरा नाम है, गुरपाल मेरा नाम भी है। क्या बात है, गुरपाल सिंह एंड गुरपाल सिंह वन एंड द सेम सिंह। जब दो सिंह मिलते हैं तो फिर बेंजो खाना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा इंदौर में कहते हैं ना, कहावत है जी, बिल्कुल रियल कहावत है यार, कहते हैं और पता नहीं रियल है कि नहीं है। चलो सारा बेंजो हो जाए, बिल्कुल इनके लिए भी बेंजो तो होगी। बहुत पॉपुलर है ये बेंजो, लोग नॉन स्टॉप आ रहे हैं और खा रहे हैं, टेस्टी है, फ्रेश है, जैसा ये कह रहे हैं इसका सादापन इसकी सबसे बड़ी खूबी है। 15 रुपए में आपका ये हो जाता है? मैं बता रहा हूँ ना, मुझे तो 1 से 2 रुपया चाहिए ग्राहक से, बस मेरे को ज़्यादा चक्कर में पड़ता ही नहीं, इसीलिए साहब अपन जो है रीजनेबल रेट पे रखते हैं कि ज़्यादा पैसा आएगा तो अपन भी सेवा मुक्त हो जाएंगे। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ईटिंग बेंजो यस पापा, मज़ा आया आहा। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते हैं इंदौर हमको क्या क्या खिलाता है ब्रेक के बाद।